अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू। इसके लिए मैंने क्या किया, आधा किलो गोभी लिया है, आधा किलो मैंने आलू लिए। आलू को ज़्यादा मैं डालती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में आलू, ठीक है। और मैंने पैन रख लिया है, उसमें मैंने 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। अब इसमें मुझे क्या डालना है मैं वो आपको दिखाती हूँ। मुझे क्या डालना है, मैं अपने हाथों से मैं मेथी दाना डाल दी, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है गोभी के सालन में, ठीक है। और मैं 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालूंगी, ज़ीरा का भी बड़ा ही अच्छी खुशबू सब्जियों में आती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए या कड़क जाए तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें डालती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं इसके अंदर कलौंजी, ये देखिए कलौंजी में बहुत सी शिफा है और हर खाने में एक चुटकी डाल देना चाहिए, ठीक है। देखिए ये अब अच्छे से गर्म हो रहा है तो मैं इसमें क्या करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा मज़ेदार सालन बनता है, तो मैंने आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। थोड़ा सा ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट पानी पानी का हो गया है, तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें से भून रही हूँ, और जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है अच्छे से तो मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, ये मैंने 2 प्याज और 7 से 8 हरी मिर्चें क्रश की हैं, यानी कि ये चॉपर में चॉप कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने पीसा नहीं है ग्राइंडर में डाल के, ठीक है। ये भी मैं इसके साथ डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ये सारे मसाले भूनने हैं। देखिए पूरा मैं थोड़ा तेज़ कर रही हूँ और मैं इसको बिल्कुल ही अच्छे से, कोई भी मसाला ज़ाया ना हो, मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ठीक है। तो सब्ज़ी में तो पानी डलती नहीं है तो मैं ये इसको भून रही हूँ। इसको भूनने में 2 मिनट तो लगेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं टमाटर भी डाल दूँगी और इसको मैं अभी ढक दूँगी, और ये जब टमाटर नरम हो जाएंगे, मसाले मेरे अच्छे सीखे वाले भून जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसमें ड्राई मसाले डालूँगी जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, लाल मिर्च पिसी हुई और हल्दी है, ज़्यादा मसाले नहीं है, और नमक हद ज़्यादा। अभी ये इसके अंदर बन रहे हैं, मैं इसको कवर कर रही हूँ, तभी थोड़ा सा बन जाएंगे, यानी कि कुछ शक्ल इसकी अच्छी नज़र आएगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी फर्दर स्टेप के मैं क्या कर रही हूँ। अभी ये बुन रहे हैं अच्छे से, फिर इसके साथ ही फिर मैं बनाऊँगी गोभी और आलू का सालन डालूंगी जब मेरे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। तो मैंने कहा कि अब मौसम चेंज हो गया है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो सब्ज़ियाँ दोपहर को खाने में अच्छी लगती है, या आप रोटी के साथ खा लें या चावल के साथ खाएँ। तो मैं इसको रोटी भी बनाऊंगी और चावल भी बॉईल करूंगी, लेकिन इससे पहले सालन तैयार हो जाना चाहिए। तो मैं हमेशा चाहती हूँ बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत ही आसान सब्जियाँ बनाने का तरीका बताऊँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपने ये सब्ज़ियाँ जो मैंने अपने स्टाइल से बनाई हैं बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में आपको कैसी लगी। अब देखिए मैं देख रही हूँ मसाला मेरा कितना तैयार हुआ है, ये देखिए मसाला मेरा भुन रहा है, बहुत ही अच्छी शक्ल में आ गया, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें आपके सामने ही ये सारे मसाले, जो 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल कुटी मिर्च, क्योंकि मैंने वैसे भी हरी मिर्चें पिसी हैं, ठीक है ना, इसमें डाली हैं तो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, और ये लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून जो उसके अंदर मेरे पास स्पून में उसी से मेजरमेंट करती हूँ। और क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा नमक हल्के जाएगा, अच्छा ये डाल दिया मैंने, इसको स्पून से भी चलाऊँगी, ठीक है, तेज चूल्हा करके, ताकि ये ओके। मुझे बहुत ज़्यादा टमाटर को इसमें वो नहीं करना, थोड़े से नज़र आएंगे सब्ज़ी में तो ज़रा मुझे अच्छे लगेंगे, और सब्ज़ी देखने में भी खूबसूरत लगती है जब उसमें थोड़े से टमाटर के चंक्स नज़र आने चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी, ज़रा सा पानी इसलिए डालूंगी कि मेरा मसाला जल ना जाए, और ये आपस में अच्छे से ये देखिए सारा मसाला तैयार हो गया, बहुत ही मज़े का होता है। और मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि मैंने तेल डाला 7-8 स्पून, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें कलौंजी, ज़ीरा
और मेथी दाने का भगवान डालने के बाद लहसुन और चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्ची डाल के और टमाटर डाल के मैंने इसको भून लिया मसाले को। अब आपके सामने मैंने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं, ये देखिए। तेल जब ऊपर आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो मैंने ये टमाटर गोभी और आलू काट के रखे हैं, पहले मैं आलू डालूंगी नीचे, क्योंकि आलू गलने में देर लगेंगे, गोभी तो सब्जी है ये बहुत जल्दी बन जाएगी, और मैं हल्की आंच में बनाऊंगी, ठीक है। आप भी हमेशा सब्जी या कोई भी खाना बनाते हो ना तो उसको हल्की आंच में बनाया करें, उससे क्या होता है सालन ख़राब नहीं होता, जलता नहीं है, और सब्ज़ी में पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये आस्ता चूल्हा जब हम रखते हैं तो ये पानी खुद अपना वो उनके पानी सब्जियों का बहुत होता है। तो ये देखिए अब मैं इसको ढक दूंगी हल्की आंच में, मिक्स कर दूंगी, और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो ये और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए पानी मैंने नहीं डाला है, अगर शायद ज़रूरत पड़ी तो मैं डालूँ, वरना मैं डालूँगी नहीं। ये मैंने डाल के इसको मैंने ढक दिया, और इसको अब हल्की चूल्हे पर बनाऊँगी। इन बिटवीन मैंने क्या किया, चावल की तैयारी कर ली, मैं चावल भी बॉयल कर रही हूँ, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये तैयार होके कितने मज़ेदार तैयार होगा। तो आप ज़रूर बनाइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ये आपका प्यार, ये आपकी मोहब्बत है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में उसमें ज़रूर बताइए कि आपने ये सब्ज़ी बनाई तो आपको कैसी लगी। अब ये तैयार होती है तो मैं इसकी आपको फाइनल शक्ल दिखाऊँगी कि कितने मज़ेदार, कितना खुश रंग, और कितने कम इन्ग्रीडियंट्स में ये ज़बरदस्त गोभी आलू मैंने बनाई। अब ये देखें 20 मिनट से मैं बना रही हूँ, सब्जी है इसमें ज़्यादा देर नहीं लगता, और आपके सामने ढक्कन खोला है देखिए, और ये कितना अच्छा खुश रंग बन गया है। ये देखिए आलू गल चुके हैं, सारे सब्जी आपस में मिक्स हो चुकी है, ये देखिए कितना खुश रंग, टमाटर भी नज़र आ रहे हैं, और गोभी भी चूर नहीं हुई है, हल्की साबुत भी नज़र आ रही है, तली हुई भी नज़र आ रही है, इसको एकदम हल्की इसको तलेंगे ताकि इसका रोगन भी हल्के ऊपर। और मैं क्या करूँगी अभी, मैं ये हरा धनिया जो ख़राब हो जाता है अगर ऐसे कट के हम फ्रिज में रखते हैं, मैं इसको डीप फ्रीजर में रखती हूँ, इसके अंदर बहुत सारा हरा धनिया डालूँगी, इससे इसमें खुशबू आएगी, देखिए, और ज़ायका तो आप सोच नहीं सकते कि कितना मज़ेदार होगा, कितनी खुशबू मेरे किचन में हो रही है। तो इसको इसी तरीके से बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स और हमेशा बनाइए, बच्चों को खिलाइए, दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह के साथ जब हम खाना बनाते हैं तो खाने में तो ज़ायका अल्लाह ताला देता है, और हमारे खानों में बरकत दे, रब्बुल्इज़्ज़त और हमारे घरों में खुशियाँ दे, हमारा दस्तरखान हमेशा इसी तरह सजाता रहे मालिक। तो हम इसी तरह आपको अच्छे अच्छे खाने बना के दिखाते रहेंगे, दुआ में याद रखिए। इस तरह से मैं इसको कवर कर दे रही हूँ, गोभी आलू का सालन तैयार हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।